दोस्तों 110 सीसी का प्रीमियम स्कूटर टीवीएस जुपिटर ग्रैंड दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, एक डिस्क वेरिएंट और एक ड्रम वेरिएंट। दोस्तों इससे पहले मैं ड्रम वेरिएंट का रिव्यू बना चुका हूं और उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जुपिटर ग्रैंड इस जो मॉडल है, ये जो मॉडल है ये डिस्क मॉडल है और मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों जुपिटर ग्रैंड जब लॉन्च किया गया था 110 सीसी का एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया था और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको नॉर्मल जुपिटर में नहीं मिलता था, जैसे कि इसका डायमंड कट अलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प्स, क्रोम ट्रीटमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर में और बैक साइड पैनल में, प्रीमियम क्वालिटी सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो बेज पैनल्स है और भी कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ जुपिटर ग्रैंड को लॉन्च किया गया था। और स्टैंडर्ड 110 सीसी की कोई भी स्कूटर से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आपको कई सारा प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जुपिटर हमेशा से ही, ऐसा मुझे लगता है कि होंडा एक्टिवा से कई गुना बेहतर है कम्फर्ट और डेली राइडिंग के मामले में और फीचर्स के मामले में। तो चलिए दोस्तों हम आज देखते हैं कि जुपिटर ग्रैंड का जो डिस्क मॉडल है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और क्या कुछ खास इसमें मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट आरज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में आपको एक फुल्ली LED टाइप हेडलैम्प मिल जाएगा। वैसे जुपिटर का हैलोजन हेडलैम्प भी DC कनेक्शन के था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था 55x60 वाट का, लेकिन LED होने से पावर कंजम्पशन भी कम होता है और आपको बेटर लाइटिंग भी मिल जाता है। यहाँ पे ग्रैंड और नंबर 1 JD पावर अवार्ड्स का एक बैजिंग दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो इंडिकेटर्स और बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड दिया गया है, जैसे कि आपको नॉर्मल जुपिटर में ही मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी बॉडी पैनल्स है, इंजन है, सब कुछ नॉर्मल जुपिटर जैसा ही है। कई कुछ चीज़ें ऐसे आपको प्रीमियम मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट मडगार्ड के ऊपर एक क्रोम फिनिशिंग दिया गया है। दोस्तों जो ग्रैंड का ड्रम मॉडल में नहीं मिलेगा वो इसमें आपको मिलेगा कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेगा। यहाँ पे एलुमिनियम फिनिश्ड अलॉय व्हील्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स के साथ अवेलेबल है। और अगर आप ग्रैंड का डिस्क मॉडल लेते हैं तो ही इस अलॉय व्हील्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सिंक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि SBS, जैसे कि आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे फ्रंट का ब्रेक भी काम करेगा कॉम्बी ब्रेक की तरह, और पीछे भी आप देख सकते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो मफलर गार्ड दिया गया है वहाँ पे CVTi का बैजिंग और कंप्लीट स्कूटर की फ्रंट पैनल में आपको बेज पैनल्स देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम एक लुक दे देता है। यहाँ पे अगर आप की स्लॉट को देखते हैं तो की स्लॉट में से ही आपको एक लॉक मैकेनिज्म मिल जाएगा जो कि बहुत ही एक अच्छा हैंडी सेफ्टी फीचर है। इससे आपका स्कूटर चोरी होने से काफ़ी हद तक बच जाता है। और यहीं पे एक एलन की दिया गया है जिससे आप इस लॉक को अगर एक बार लॉक कर दे तो ओपन कर सके। और दोस्तों दो हुक्स दिया गया है, एक हैंडल के नीचे और एक सीट के नीचे, ताकि आपको कोई भी सामान या ग्रोसरीज लाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस तरह से इस लॉक को खोला जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बंद कर दिया और इसी से इसको हम खोल भी सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो प्रीमियम बीच पैनल्स यूज हुआ है काफी यहां पे प्रीमियम दिख जाता है। और उसके बाद अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीट भी एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फोम मटेरियल से बना हुआ है और कंप्लीट एक ब्राउन कलर के यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाता है। और सीट का जो सॉफ्टनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, चेकर्ड टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है चेक पैटर्न का। ये आपको नॉर्मल जुपिटर में नहीं मिलेगा, एक प्रीमियम क्वालिटी का सीट है। दोस्तों अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा और जुपिटर ग्रैंड एडिशन का एक बैजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। दोस्तों बाकी सब जुपिटर की तरह यहाँ पे भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का सिस्टम दिया गया है, आप बाहर से ही इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको LED बैकलैम्प के साथ हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्कूटर का कंप्लीट लुक यहाँ पे आता है, काफ़ी अलग स्कूटर से देखने में काफ़ी अलग है। और यहाँ पे अगर स्विच गियर को देखें तो स्विच गियर भी अच्छा क्वालिटी का है, पार्किंग ब्रेक दिया गया है यहाँ पे ताकि आप इंक्लाइंस में अपने स्कूटर को पार्क कर सके। और जो मीटर कंसोल यहाँ पे आता है वो भी डिजिटल एनालॉग कंबाइंड मीटर कंसोल है। राइट साइड की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाएगा और आप अगर चाहे तो अलग सा यहाँ पे हेडलाइट का स्विच भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये इसका मीटर कंसोल है, स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, पावर और इको इंडिकेटर साइड में दिया गया है और डिजिटल डिस्प्ले में आपको ट्रिप मीटर मिलता है
ओडोमीटर मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, हेलमेट पहनने की एक रिमाइंडर मिलता है और बाकी जो भी इंडिकेटर्स हैं वो भी मिल जाता है। एक टाइम भी मिलता है, क्लॉक भी मिलता है यहाँ पे, ताकि आप टाइम चेक कर सके। दोस्तों कई सारे जगहों पर आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग है और ये जो कलर है स्टारलाइट ब्लू, ये एक बहुत ही अच्छा पेंट स्कीम टीवीएस ने जुपिटर में दिया है, जो कि देखने में बहुत ही खास और बहुत ही एक प्रीमियम शाइनिंग लुक दे देता है। दोस्तों अगर हम इस साइड से देखें, लेफ्ट की साइड से देखें, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख जाता है। दोस्तों अगर हम अंडर सीट स्टोरेज की बात करते हैं तो 17 लीटर्स का बाकी जुपिटर्स की तरह यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन अंडर सीट स्टोरेज यानी कि सीट को खोलने के लिए और फ्यूल टैंक को खोलने के लिए आपको चाबी निकाल के पीछे इस स्लॉट में डालना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि हम सीट देखते हैं, यहाँ पे सीट के नीचे आपको 17 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाएगा और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलता है, यहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। फ्यूल टैंक जैसे कि पीछे की तरफ है, तो फ्यूल टैंक को खोलने के लिए बस आप की को राइट की तरफ घुमाइए, लेफ्ट की तरफ घुमाइए और फ्यूल टैंक खुल जाता है। 5 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक है और 1 लीटर में यहाँ का इसका रिजर्व लगता है। दोस्तों अगर हम आते हैं इंजन पे, तो इंजन वही सेम है, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 109.7 cc का इंजन है, जिसका पावर है 7.88 bhp और टॉर्क है 8 Nm। दोस्तों यहाँ पे इंजन काफ़ी स्मूथ है और अप टू 60-65 किलोमीटर्स तक आपको कोई भी चलाने में दिक्कत नहीं होगा। गौर कीजिए दोस्तों, जो किक स्टार्टर है सामने की तरफ है, ताकि आप गाड़ी में बैठकर ही किक मार सके। फ्रंट की तरफ आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जो टायर्स यूज हुआ है दोनों ही तरफ 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स है 90x90 साइज का। फ्रंट की तरफ आपको ऑप्शनल 170mm की डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आप चाहे तो ड्रम ब्रेक भी ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क ही लें, ताकि आपका जो ब्रेकिंग है वो अच्छा रहे। दोस्तों अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो पीछे आपको एक गैस चार्ज मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा और टायर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। SBS यानी कि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ताकि पीछे की ब्रेक दबाने से फ्रंट का ब्रेक भी एंगेज होकर आपको एक बेटर और श्योर फुटेड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस दे देता है। दोस्तों ये जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, ये आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का अंदाज दे देगा इस स्कूटर में। दोस्तों अगर हम बाकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो बाकी स्पेसिफिकेशंस में आपका जो व्हील बेस है वो 1275mm है, वेट है 108 kg, जो सीट हाइट है वो स्कूटर्स की तरह जैसे कि लड़का लड़की कोई भी इसे चला सके 765mm दिया गया है, और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 150mm दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर 10mm या फिर 8mm ज़्यादा होता तो मेरे ख्याल से और भी बेहतर हो सकता था। और दोस्तों बाकी जैसे TVS के फीचर, जैसे कि बैग हुक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया, इजी सेंटर स्टैंड यानी कि सेंटर स्टैंड काफ़ी यहाँ पे लाइट है, अब कोई भी इसको आराम से डबल स्टैंड कर सकता है। अंडर सीट 17 लीटर स्टोरेज विथ चार्जिंग फैसिलिटी, ड्यूअल साइड हैंडल लॉक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जुपिटर के यानी कि TVS के जो स्पेयर पार्ट्स वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आपको लगभग सारी जगहों पर मिल जाएगा और कोई भी मैकेनिक से आप जुपिटर ग्रैंड की सर्विस करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं डिस्क वर्शन का रिव्यू कर रहा हूँ, इसका जो एक्स्ट्रा रूम प्राइस कोलकाता है वो 65,900 rupees है। और दोस्तों ऐसा मुझे लगता है कि सस्पेंशन के मामले में और जो भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसके मामले में जुपिटर हमेशा से ही एक्टिवा से थोड़ा सा बेहतर है। एक्टिवा का इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको बाकी जो भी फीचर्स है सब मिला के एक बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है। नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।